हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और आज से महज कुछ ही सालों पहले हम आसमान में ढेर सारे पंछियों को उड़ते हुए देखा करते थे, पर आए दिन इन पंछियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इन पंछियों को घटती जनसंख्याओं को देखते हुए बस यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी तरह पंछियों की जनसंख्या लगातार घटती रहे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब धरती से पंछियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक पंछी के बारे में जानने वाले हैं जो लगभग विलुप्त होने के कगार में आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमारे धरती में कई तरह की पंछी पाई जाती है, कुछ मांसाहारी होते हैं तो वहीं कुछ शाकाहारी भी। इन्हीं में से एक थी मांसाहारी पक्षी जो मरे हुए जीवों को खाया करता था, जिसे हम गिद्ध के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपने गिद्ध को देखा भी ना हो, लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले ये बड़े आकार वाले पंछी गाँवों में, शहरों में, लगभग हर जगहों में पाए जाते थे। इसे अक्सर बिजली के तारों में पाया जाता था, सड़क के किनारे किसी मरे हुए जानवर के चारों ओर इन्हें गिद्धों का जमावड़ा रहता था। ये गिद्ध मांसाहारी तो होती थी, पर ये गिद्ध अपना पेट भरने के लिए बहुत ही कम शिकार किया करती थी। ये अक्सर मरे हुए जानवरों को खाना ही पसंद करती थी, इसलिए तो इसे मुर्दाखोर पक्षी भी कहा जाता है। अक्सर गिद्ध भोजन की तलाश में ऊंची ऊंची उड़ाने भरा करती थी। इसके देखने और सूंघने की क्षमता बाकी अन्य पक्षियों से बहुत तेज है, इसलिए गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके को देखने के लिए अक्सर ऊंची ऊंची उड़ाने भरा करती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इसके सबसे ऊंची उड़ान को रूपेल्स वेंचर ने साल 1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट के एल्टीट्यूड में देखा गया था। 37,000 फीट के एल्टीट्यूड पर यह गिद्ध एक एरोप्लेन से टकरा गई थी। हालांकि इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया था। साल 1991 में देश भर में हुए एक सर्वे से ये पता चला कि उस समय इसकी तादाद लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन महज 10 सालों के अंदर ही इसके जनसंख्या के तादाद में भारी गिरावट देखने को मिला। और आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि ये लगभग विलुप्त होने के कगार में आ चुकी है। गिद्धों के जिप्स वंश की प्रजाति भारत में मिलने वाले 3 प्रजातियों में लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्धों की जनसंख्या में 97% तक की कमी देखी गई। लेकिन इससे भी बुरी हालत तीसरे प्रजाति सफेद पीठ वाले गिद्ध की देखी गई, जिनकी जनसंख्या 1992 से 2007 के बीच 99.7% कम हो गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के पूर्व डायरेक्टर असद रहमानी का कहना था कि ये गिद्ध दुनिया का पहला ऐसा प्रजाति है जिनकी संख्या में इतने कम समय में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कथा कहानियों में मौत का संकेत माना जाने वाला गिद्ध अब खुद विलुप्त होने के कगार में है। जब शुरुआती दौर में गिद्धों की संख्या में कमी आने लगी तो रिसर्चर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। BNHS के नेशनल पार्क भरतपुर में इसकी जनसंख्या में भारी कमी को दर्ज किया गया था। साल 1987 में इस पार्क में 364 गिद्धों के जोड़ों की गिनती की गई थी, जो 1996 आते आते आधी हो चुकी थी। साइंटिस्ट को ये सब देखकर एक झटका सा लगा कि चारों ओर सिर्फ मरे हुए गिद्ध दिखाई दे रहे थे, चाहे घास में हो, पेड़ों में हो, यहाँ तक कि उनके घोंसलों में भी। सन 2000 तक भरतपुर के इस पार्क में गिद्धों की एक भी जनसंख्या नहीं बची। धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी इसी तरह की खबरें आने लगी। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इन तीनों प्रजातियों के गिद्धों को हाई रिस्क के कैटेगरी में शामिल कर लिया। इसका मतलब ये था कि इन गिद्धों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार में आ चुकी है। अगर जल्द से जल्द इसे बचाने की कोई मुहिम नहीं उठाई जाती है तो ये विलुप्त होने से महज एक कदम की दूरी पर है। तेजी से गिद्धों की जनसंख्या में कमी होने के कारण को समझ पाना इतना भी आसान नहीं था। पंछियों की आबादी में हुई कमी के कई कारण हो सकते थे, जैसे कि शिकार करना, महामारी या फिर कोई प्राकृतिक विनाश। लेकिन जिस तेजी से साउथ एशिया में गिद्धों की जनसंख्या में कमी होती गई, इसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। स्टार्टिंग में कुछ बायोलॉजिस्ट ने विलुप्ति के कारण का पता लगाने के लिए मरे हुए पशुओं के शरीर में कीटनाशक के मिलने वाले अंशों को जिम्मेदार माना। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इस विलुप्ति पर ध्यान गया और प्रेग्रीन फंड के तहत करीब 10 से 15 इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने पाकिस्तान में गिद्धों के लाशों की टेस्टिंग किया। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि गिद्धों के मरने का सबसे अहम कारण डिक्लो
फिनेक नामक इंजेक्शन को पाया। ये एक दर्द और सूजन को खत्म करने वाली इंजेक्शन है जिसका उपयोग जानवरों पर किया जाता था। जब ये गिद्ध ऐसे जानवरों को खाते थे जिन्हें हाल में ही ये इंजेक्शन दिया गया था, इस इंजेक्शन के कारण गिद्धों की किडनी खराब हो जाती थी और आखिर में इनकी मौत हो जाती थी। डिक्लोफेनिक दवा बेसिकली इंसान ये बनाया गया था, लेकिन ये दवाई बाद में जानवरों के लिए भी उपयोगी पाया गया। ये इंजेक्शन इनमें से 3 प्रजातियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, यूरेशियन ग्रिफिन, हिमालयन ग्रिफिन। इन दोनों प्रजातियों के गिद्ध पर भी इसका असर पड़ा, लेकिन इनके तादाद में इतनी तेजी से गिरावट नहीं हुई क्योंकि ये दोनों एक ऐसे गिद्ध थे जो ऊपरी हिमालय क्षेत्र में अंडे देती थी और मध्य एशिया तक उड़ान भरती थी। इन क्षेत्रों में इस दवा का इस्तेमाल ही नहीं होता था। गिद्धों को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता था। ये गिद्ध बड़े ही तेजी से मरे हुए जानवरों को खा लेते थे और इस तरह से मरे हुए जानवरों के लाशों में पैदा हो रहे बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देती थी। लेकिन गिद्ध के ना होने से टीवी और एंथ्रेक्स जैसे बीमारी तेजी से पनपने लगी। इसके अलावा चूहे और आवारा कुत्तों में तेजी से विकास हुआ। इन गिद्धों की तादाद में कमी का असर ज्यादातर पारसी समाज के एक अहम रिवाज पर भी पड़ा। ये समुदाय मृतकों को प्रकृति को समर्पित करते हैं। इसका मतलब ये कि इस समुदाय के लोग दूर किसी शमशान में खुले आसमान में छोड़ दिया करते थे जहाँ गिद्ध और दूसरे पक्षी इसे खा लिया करते थे। पर गिद्धों के ना रहने की वजह से ये परंपरा भी खत्म होती दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सफेद पीठ वाले गिद्धों की जनसंख्या 43% की दर से प्रति वर्ष गिर रही थी। इनकी प्रजनन की दर भी बहुत धीमी होती है। ये एक बार में सिर्फ एक अंडा देती है और इस अंडे से बच्चा लगभग 8 महीनों बाद निकलता है। अगर गिद्धों की जनसंख्या में 5% की दर से कमी आती है तो इसकी धीमी प्रजनन की गति की वजह से इसे अपनी जनसंख्या को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिसंबर 2017 के एक सर्वे के अनुसार भारत में भी गिद्धों की गिरती हुई जनसंख्या में कमी आई और सफेद पीठ वाले गिद्धों की जनसंख्या बढ़ने लगी, लेकिन आज भी इसकी दर बहुत ही धीमी है। वल्चर एक्शन प्लान के तहत साल 2006 से भारत में इस डिक्लोफेनिक इंजेक्शन को जानवरों में इस्तेमाल होने से बैन कर दिया गया। आज भले ही ये दवाई जानवरों में बैन कर दिया गया हो, लेकिन आज भी कई सारी ऐसी इंजेक्शन इस्तेमाल की जाती है जो गिद्धों के लिए हानिकारक हो सकती है। जल्द से जल्द इन पर भी रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही 2006 से गिद्धों को पकड़कर बंदी अवस्था में प्रजनन कार्य को चलाकर इनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। तो ये थी विलुप्त हुए गिद्धों की कहानी। अगर हम प्रकृति के बैलेंस को गड़बड़ाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में हमें पंछियां ही दिखाई देना बंद हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।